इस दुनिया में, खासकर इस देश में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है। तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहे, और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते वो युद्ध नहीं कर पाते। बेवकूफ प्रेमी, खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, तब कहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत। इतिहास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसमें एक चीज ये सिखाया कि बड़ों से लड़ते रहो और छोटों को गले लगा लो। बड़ों से लड़ते रहोगे वो तुम्हें दुत्कारते रहेंगे। वो जब तक तुम्हें दुत्कारते रहेंगे और अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा अहम उठकर खड़ा होता रहेगा और वो अहम तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जब तुम चाटुकारी ना करते हो तो तुम बने तो रहते हो लेकिन खत्म हो जाते हो। उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का। शराब, सिगरेट, गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। नशा करो ना क्वालिटी वाला, ताकत का नशा, सत्ता का नशा। कि पढ़े नहीं बेचैन हो गए, आंसर राइटिंग नहीं की बेचैन हो गए। मैं नशा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। घटिया नशे मत करो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ। कौन कहता सिगरेट पीने से आदमी कॉन्शियस होता है? कलाम साहब तो नहीं पीते थे? कौन कहता कि महान लोग शराब पीते थे? बुद्ध, महावीर। जब तुम्हारे मन को तुम्हें बेवकूफ बनाना होता है तो ऐसे ही विचार फेंकता है।